तो गाइस अब इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह अपन लोग जान लेते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो आप लोग ये स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें। एक्वा सोडियम लॉरेट सल्फेट, हाँ केमिकल से फुलफिल ज़रूर है ये चीज़, लेकिन बिना केमिकल के ये चीज़ बनती नहीं है, लेकिन हार्ड नहीं है, नेचुरल कुछ एसेंस भी है इसमें। रोज मेरिनस ग्लाइसरॉल वगैरह है जो कि सभी बॉडी वॉश वगैरह या फिर बियर्ड वॉश में पाया ही जाता है। और ये लिखा है वहाँ की ऑफिशियल रोज मेरी वाइल सिट्रस लेमन एंड लेमन फ्रूट ऑन फेनोक्सी इथेनॉल एंड पेरिगोन। ये एक और लिखा है, एक मिनट, केमिकल नेम, ये पेलारगोनियम, मतलब कि जितने भी केमिकल हैं ये केमिकल से बना हुआ है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितने भी वो बाकी केमिकल है। सोडियम लोराइल थोड़ा सा हार्ड है एज़ कंपेरिजन टू अदर एसिड्स और केमिकल्स, तो अगर बिना उसके तो ये प्रोडक्ट बन नहीं सकते, लेकिन अगर कंपेरिजन देखे और प्रोडक्ट से और केमिकल के बेसिस पे एट द केमिकल बेस, तो ये सबसे बेहतरीन बॉडी वॉश है। और क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पे भी देखा जाए तो ये सबसे बेहतरीन बॉडी वॉश है। इसके बगल में QR वगैरह दिया गया है, इससे आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द मैन कंपनी बॉडी वॉश एलमंड एंड थाइम बियर्ड वॉश, सॉरी बियर्ड वॉश एंड बियर्ड वॉश ऑल्सो हैव एन इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मैं ऐसे ही वीडियो लगातार अपने चैनल पे लाता रहता हूँ।